हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो सुपर स्प्लेंडर बाइक का इंजन कैसे बनाता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप पूरा इंजन को वॉश कीजिए और उसके बाद जितना बैरिंग है, नया मोबिल डालिए, डाल रहा हूँ, नया मोबिल दे रहा हूँ, क्योंकि मोबिल देने से पहले लुब्रिकेशन होता है और अच्छी साउंड आता है बाइक का। तो इसी तरह आप मोबिल ऑयल डाल दीजिए। ये गियर बॉक्स है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर गियर बॉक्स। देखिए दोस्तों, गियर बॉक्स कैसे फिटिंग करता है पहले देख लीजिए। पूरा ऑयल डाल रहा हूँ, ऑयल लगा रहा हूँ पूरा सिस्टम पर, पूरा लुब्रिकेशन पहले से हो जाएगा और उसके बाद फिटिंग करेगा। तो पहले मोबिल लगाना पड़ेगा, ऑयल लगाना पड़ेगा। नया कैस्ट्रोल मोबिल डाल रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। आप देख लीजिए सिस्टम कैसा है। अब लगा रहा हूँ, अब गियर का जो नियम है सर उसको घुसा दिया, बस लग गया। उसके बाद आप गियर का जो चेंजर है उसको लगाइए। ये सामने वाला रहता है, नीचे में दीजिए और स्पीड में थोड़ा वायर लगा लीजिए। ऑयल लगा रहा हूँ, बस हो गया, बस पूरा सिस्टम हो गया। थोड़ा ऑयल दे दीजिए, बस हो गया गियर बॉक्स फिटिंग। उसके बाद की ग्रेजर है जो ना, की ग्रेजर लगा दीजिएगा। सर ग्रुप है वहाँ, कटिंग है, बस ठीक से बैठा लीजिए। ग्रेजर भी बैठ गया, ओके, बस गियर बॉक्स हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्रैंक लगाइए। ये जो क्रैंक जो है ना, इसको क्रैंक में मैंने नया बनाया है, वो पूरा सिस्टम ख़राब हो गया था, इसको खोल के लेट में नया लगाया। अब मैं इसको फिटिंग हो गया, नहीं हिल रहा है, क्रैंक भी फिटिंग हो गया, क्रैंक फिटिंग हो गया। अब थोड़ा यहाँ पैकिंग मत दीजिएगा, क्योंकि सुपर स्प्लेंडर में पैकिंग देने से क्या होगा, थोड़ा गैप आ जाएगा तो थोड़ा दिक्कत रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन फ्री नहीं होगा सिस्टम। चंबार लगा रहा हूँ, चंबार लग रहा है, चंबार को ऐसे लगाइएगा, हथौड़ा लेकर मत ठोकिएगा, हाथ में बैठाइए, ईजी बढ़ जाएगा। देखो कैसे मैं लगा रहा हूँ, बस लग गया, देखा कितना सिंपल है, बस चंबर फिट हो गया। उसके बाद पूरा नट लगाना पड़ेगा, ये अभी नहीं लगेगा, इसको बाद में लगाएंगे। स्क्रूप लगा लीजिए पूरा सिस्टम का। स्क्रूप जब पूरा लग जाएगा उसको टाइट देकर। हाँ दोस्तों, देखो अब नट लग रहा है और लगा रहा हूँ, पूरा नट लग रहा है, पूरा नट कट रहा हूँ। पूरा नट लग रहा है। अब मैं इस लॉक पत्ती को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैरिंग का पत्ती है ना, उसको थोड़ा मारना पड़ेगा दोस्तों। हथौड़ा लेके मत मारिए, मैं मार रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सही नहीं है। हाँ, आप कोई काट का सामान लेके मारिए, तब जाके नाट लगाइए। चंबर आ गया, अब वो जो बैरिंग का तीन पत्ती है ना, आप ठीक से लगाइए, लग जाएगा। देखो कैसे दोस्तों लग गया। अगर आप वहाँ से नहीं मारेगा तो आपका चंबर नहीं फिट होगा, बस हो गया। अब उसके बाद की क्रेचर सेटिंग जो है ना, उसको लगाना पड़ेगा। अगर की क्रेचर जो सेटिंग है वो गलत लगाएगा तो आपका इंजन का साउंड ख़राब आ जाएगा, सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो आप सबसे पहले वहाँ ग्रुप है, लॉक है, वहाँ देख के पल्टी मारिएगा अच्छे से। बूझ भर रहा हूँ, बूझ लगा लीजिएगा।
बस हो गया बूस्ट। बस देखो हाथ देखकर घुरा रहा हूँ, हाँ हो गया ठीक। अब गियर से आप बैठा लीजिए, गियर से आपका बूस्ट रहता है, इसके अंदर बूस्ट डाल दिया, हाँ अब सिस्टम चालू हो गया। अब गियर बॉक्स लगा रहा हूँ, गियर से बस गियर से लगा रहा हूँ, हाँ लग गया दोस्तों, देखो अब खेल रहा है, अब गियर काम करेगा, हाँ बस हो गया। उसके बाद आप ऑयल पंप को देखिए, ऑयल पंप कैसे चेक करते हैं, देखिए स्कूटा पर मोबिल दीजिए और उस स्कूटा पर जाके निकलेगा, देखो 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 दोस्तों निकल गया, इसका मतलब ऑयल पंप हमारा सही है। अगर वहाँ नहीं जाता तो हमको ऑयल पंप चेंज करना पड़ता, बस ऑयल पंप में थोड़ा बूस रहेगा, ऑयल पंप फिटिंग होंगे। उसके बाद हम आ गए पिस्टन रिंग पर, ये हीरो का ओरिजिनल जेनोइन पार्ट्स है, मैं अभी नया डालूँगा क्योंकि पहले जब खोला था तब इंजन सीज हो गया था, ये जो नहीं जेनोइन है पूरा पार्ट्स, इसमें लॉक रहता है, पूरा किट है, असेंबली है पिस्टन का, लेकिन हाँ दोस्तों वाइल्ड रिंग पहले गिराना पड़ेगा, नेट रिंग जो है, क्योंकि पहले नेट रिंग लगाने से क्या होगा, आपका जो काटिंग है ऊपर ऊपर साइड में दीजिए। बैठ गया दोस्तों वाइल्ड रिंग, उसके बाद पिकअप रिंग दीजिए वाइल्ड का पतला वाला रिंग, अब ऐसे करके हिला के देख लिए कौन साइड भागता है, तब मैं जिस साइड पे लगा रहा हूँ दोस्तों उसी साइड पे आप भी लगाइएगा, क्योंकि अगर उसी साइड पे लगाइएगा तो रिंग को लॉक करके रखेगा, अगर दूसरे साइड में आप लगाएगा तो लॉक नहीं रहेगा, अपने आप घूम जाएगा, तो क्या होगा वाइल्ड थोड़ा थोड़ा करके आ जाएगा रिंग के माथे पर, तो फिर हल्का धुआं देने लग जाएगा कुछ दिन चलने के बाद। अब जो भी काम कीजिए सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि सुनिए आपका उस्ताद क्या सिखा रहा है, आप ये मत सीखिए, आप अपना भी टेक्नोलॉजी लगाइए, बुद्धि लगाइए, क्योंकि मैकेनिक जो है वो हर कुछ करता है, कर सकता है, जैसे कि ये मैंने अपने आप सीखा है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसी तरह भी लगाया और उस्ताद का बात सुन के भी लगाया, तो ज़्यादा दिन जाता है, ज़्यादा टिकता है हमारे, इसी हिसाब से धुआं भी कम निकलता है, एक इंजन बांध के चल जाता है 5 साल, और पहले जब फिट करता था तो चल जाता था 1 साल भी नहीं जाता था, उसके बाद धुआं देते रहता। तो दोस्तों इसी तरह आप काम कीजिए, और स्टोन लगा रहा हूँ, स्टोन लग रहा है, थोड़ा रिंग में ऑयल दे दीजिएगा, क्योंकि ऑयल नहीं देने से क्या होगा, आप जब स्टार्ट तो ऑयल लगाने से क्या होता है, जो सबसे पहले आप स्टार्ट करेगा तो थोड़ा तो इंजन में स्टार्ट होने से पहले थोड़ा मोबिल नहीं रहेगा, तो आपका जो पिस्टन रिंग जो है वो तो लगातार लुब्रिकेट नहीं करेगा, इसीलिए आपका थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। दोस्तों ये है टाइमिंग चेन, नया डाल रहा हूँ, गैस्केट है, वाल्व भी नया डाला है, वाल्व सील भी नया डाला है, और रॉकर कैम से पुराना है वो सही था। दोस्तों मैं हेड को फिट कर दिया, अब कंप्लीट हो गया हमारा हेड। दोस्तों देखो चारों नाट को एक साथ मत टाइट दिए, आहिस्ता आहिस्ता करके टाइट दीजिए, ये जो टाइमिंग का जो चिन्हों देख रहा है यहाँ इस कोने पर रहेगा, और पिस्टन टॉप में डाल दीजिएगा, टॉप में देख रहा हूँ टॉप में है कि नहीं, हाँ टॉप में है, और टाइमिंग भी ठीक है, अगर टाइमिंग गलत रहेगा तो बहुत दिक्कत आएगा, गाड़ी में पिकअप नहीं आएगा, अगर ज़्यादा